नमस्कार, मैं हूं जफर साजिद और आप देख रहे हैं एडीबी न्यूज 7। पश्चिम बंगाल के लाल बाजार में स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला प्रशिक्षु जूनियर डॉक्टर के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड के बाद देश भर के सभी सीनियर और जूनियर डॉक्टरों ने हड़तालों तथा प्रोटेस्ट का सिलसिला जारी रखते हुए सरकार से मांग की है कि जितनी जल्दी हो सके उन दोषियों को ढूंढकर सख्त से सख्त सजा दी जाए और रेपिस्टों के लिए अलग से कानून बनाई जाए जिसमें फांसी तक की सजा का प्रावधान हो, जिससे इस तरह का दुष्कर्म करने वालों की सोचकर ही रूह कांप जाए। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की महिला वकीलों ने किस तरह से सरकार पर अपना विरोध जताया, ये आप भी देखिए। कोलकाता के लाल बाजार में स्थित मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर के साथ 8-9 अगस्त के बीच रात में सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। मृतिका मेडिकल कॉलेज में चेस्ट मेडिसिन विभाग के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की छात्रा तथा प्रशिक्षु डॉक्टर थी। वो 8 अगस्त की रात ड्यूटी कर रही थी और 12 बजे के बाद अपने दोस्तों के साथ उन्होंने डिनर भी किया था। उसके बाद से महिला जूनियर डॉक्टर का कोई पता नहीं चला। जब सुबह हुई तब मेडिकल कॉलेज के चौथे मंजिल पर बने सेमिनार हॉल में उस डॉक्टर का शव निवस्त्र हालत में मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप की पुष्टि की गई। हाथ, कंधे, घुटने सहित शरीर के कई हिस्सों में फ्रैक्चर और चोटों के निशान भी मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, एडीबी न्यूज 7। मेरे को जस्टिस चाहिए, ऐसा तो नहीं है रेप पहली बार हो रहा है। आपको 5 दिन लग गया, स्टेट गवर्नमेंट को 5 दिन लग गया उत्तर के भाषण देने में कि आमरा इनार साथे कथा बोलছিলাম, আমরা উনার সাথে কথা। 5 দিন আপকো ফেব্রিকেট করতে में लगा टाइम पे एविडेंस को, या आपको समस्या मतलब समाधान निकाल रहे थे आप। आप क्या बोलना चाह रहे? आपका क्राइम सीन अभी तक सील नहीं है। क्राइम सीन में जो भी आके कुछ भी करके चला जा रहा है। माय क्वेश्चन इज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज अंडर हुज डोमेन? ये किसके डोमेन में आता है? इट कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट। यू आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट योर गवर्नमेंट। जॉब बन चुका है आज के डेट पे। ये कोई नया बात नहीं है, रेप नया बात नहीं है। उनको ही भरोसा करेंगे जो हम लोग को भरोसा दिलाएगा कि हाँ लॉ चेंज होगा। अब आज हॉस्पिटल में बहुत हो चुका। मैं लॉयर हूँ, कल को मेरे को मेरे साथ कोर्ट में रेप होगा, तब who will stand for me? I have to stand for myself. This is getting, Mamata Banerjee has never taken rape as a heinous crime. This time I want punishment to be as heinous as the crime was. हम चाहते हैं या तो आप हैंग करें या तो आप हैंड ओवर करें, हम लोग देंगे पनिशमेंट। रास्ता पे हैंग करें, बीच रास्ता पे होना चाहिए सबको। हम लोग सोशल मीडिया हर जगह, हम लोग कुछ भी हो जाए हम हड़ताल कर देंगे, लेकिन हम लोग को चाहिए जैसे और लॉ पूरा चेंज होना चाहिए इस बार। इफ शी कांट डू एनीथिंग शी शुड रिजाइन। चोर चोरी करके प्रोटेस्ट करे गवर्नमेंट, शी इज हेल्थ मिनिस्टर, शी इज होम मिनिस्टर, शी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट सीएम। व्हाट लॉजिक इज दैट? व्हाट लॉजिक? शी इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट हर ओन गवर्नमेंट। दिस इज द शेम। ईदर ब्रीफ द एंटायर ग्रुप हु वाज इन्वॉल्वड और यू रिजाइन द चेयर। वी वांट प्रेसिडेंट रूल ओवर यू। जब रेप के टाइम में आपको दर्द नहीं दिखता है, रेपिस्ट का बयान सुनने में आपको दर्द क्यों दिखता है? I am, take this in writing, I am an American residing in India. I came back to India so that I can serve public health. I am an assistant professor in the Department of Public Health. This is an international matter. I am ashamed and I am a mother. What will I tell? I am a doctor, I am a mother. What will I tell my daughter tomorrow? Why did I bring her back to India? Film abhineta Mithun Chakravarti ne sakht virodh jatate hue सरकार से दोषियों को सजा दी। हमें अनेक दिन धरे अनेक जगह अनेक बार ये कथा बोले कि आगामी दिन पश्चिमबंगे अवस्था खुबी भयावह हो उठबे। कि बोलबो, बांगाली हुए माथा उंचु करे दाड़ाबार क्षमता हारिए फेलेछे। পরিবারের প্রতি আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি রইল। আর যারা যারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত তাড়াতাড়ি তাদের সবাইকে গ্রেপ্তার করে সাক্ষী দেওয়া হোক। এটাই
खबरों में बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय बिहार। सभी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए एडीबी न्यूज 7 और हमारे इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो, लाइक, शेयर करते रहें।